नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं अतुल टेक यूट्यूब चैनल। मैं अतुल कुमार आज इस वीडियो में गूगल एडसेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में शो हो रहे बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो जी हाँ, आज हम इस वीडियो में कुछ एडसेंस से संबंधित बातें करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और नॉलेजबल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे एडसन पिन हमारा आता कहाँ से है। तो जी हाँ, एडसन पिन हमारा आता है मुंबई से। तो लेकिन यह बात हो गई, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, बस हमारा एडसन पिन वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो लेकिन हमारा एडसन पिन में आया कितने दिनों में? तो जी हाँ, यहाँ पर हम बता दें हमारे ग्रुप में टोटल 3 मेंबर हैं, तो 3 आदमी हैं, यानी तीनों लोगों का चैनल मोनेटाइज हो चुका है। लेकिन जो सबसे लास्ट चैनल मेरा ही मोनेटाइज हुआ था, इसलिए मेरा ही लास्ट में सबसे एडसन पिन आया। तो जी हाँ, लेकिन हमारा चैनल जो है फर्स्ट में, यानी जो हमारा एडसन पिन है सबसे फास्ट आया, यानी सिर्फ हमारा एडसन पिन 15 दिन में आ गया, यानी 14 दिन में हमारे घर पर आ गया। मैंने डाक पर गया लेकर आया स्वयं। तो जी हाँ, क्योंकि हमारे एरिया का जो डाकमैन है यानी पोस्टमैन है उनको टाइम नहीं लगा, तो मुझे खुद फ़ोन करके जाना पड़ा उनके घर लेने के लिए। लेकिन आपका ऐसा नहीं हो सकता, आपका डाक यदि सही है तो आपका घर पर पहुंचा देगा। सो जी हाँ, यहाँ पर बता देते हैं पहले आदमी के, यानी जो हमारे ग्रुप में जो पहले हैं, यानी उनका पहले मोनेटाइजेशन हुआ और उनका पहले एडसन में $10 हुआ, उन्होंने पहले अप्लाई किया था, तो उनका 60 दिन में यानी एडसन पिन आया। जी हाँ, टोटल 60 दिन लगे, यानी 2 महीने। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पर जिनका मोनेटाइजेशन हुआ, उनका टोटल आया 1 महीने, यानी 30 या 31 दिन या 28, 29, 30 दिन में उनका एडसन पिन आ गया। लेकिन और हमारा बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हमारा 15 दिन में, और तीनों का एड्रेस, तीनों का पिन कोड, तीनों का एरिया कोड सब सेम टू सेम है, लेकिन सिर्फ विलेज का अंतर है, लेकिन एरिया कोड सबका एक है। तो इसलिए यदि आपके गांव में, यदि आप गांव से हैं, तो यदि आपके गांव का कोई और यूट्यूबर है तो आपका एडसन पिन जल्दी आएगा। यदि आपके एड्रेस पर एडसन पिन अभी तक नहीं आया तो आपका एडसन पिन आने में आप घबराइए नहीं कि यदि हमारा 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया नहीं आया, तो यहाँ पर 90 डेज तक का आपको मौका मिलता है। यदि नहीं आता है तो आप फिर से वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर से आपका एडसन पिन आएगा। तो लेकिन ऐसा सिर्फ आप 3 ही बार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो आपका एडसन ब्लॉक हो जाएगा। यदि आपका एडसन वेरीफाई नहीं होता तो भी आपका एडसन ब्लॉक ही माना जाएगा, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। सो जी हाँ, यदि आपका एडसन पिन नहीं आता है तो आप पहले यानी 90 दिन वेट कर लीजिए या 80 दिन, 80 डेज, तब आपके फिर से रिप्लाई करिए, यानी फिर से रिसेंड करिए, तभी आपका एडसन पिन नहीं यदि आया तो दूसरी बार में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो 3 बार कर दीजिए, उसके बाद आपका एडसन पिन नहीं आएगा तो आपका फिर से आएगा भी नहीं, फिर से आपको दूसरा एडसन पिन बनाना पड़ेगा उसी नाम से। क्योंकि आप एडसन पिन एक नाम से, यानी एक नाम से दो बना सकते हैं, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए एक ही कर सकते हैं, क्योंकि जो उसमें आईडी लगती है आप एक आईडी एक ही बार यूज कर सकते हैं, यानी एक व्यक्ति की कोई भी आईडी हो सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, नहीं कि आप पहली बार आधार कार्ड से कर लीजिए, दूसरी बार पैन कार्ड से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मैंने पर्सनल अपना खुद जो एडसन पिन है वेरीफाई की है, तो आप उसको वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो उसमें अपने पैन कार्ड से जो एडसन वेरिफिकेशन था मैंने किया था, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो में बताया था। सो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो से संबंधित कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।